चाहिए हो नहीं पा रहा है। आज से एक अभियान की बात शुरू हुई है रैपिड एंटीजन टेस्ट की। क्या है ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, कहाँ कहाँ हो रहा है और क्या लक्ष्य है? देखिए, ये पलामू, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, चार जिले में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर जिले में 10,000, प्रत्येक जिले के हिसाब से हम जो है अपने जांच के दायरे को बढ़ाएंगे। और ये एक व्यवस्था लागू भी कर रहे हैं। बीच में भी हम लोगों ने इसी तरह का एक और पहले भी अटेम्प्ट लिया था और आगे भी हम इसी तरह का कुछ कुछ कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी संक्रमण हैं, संक्रमित हैं, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको यदि एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनको प्रयास है कि उनको आवास में रह के भी स्वास्थ्य लाभ हो। अब चूंकि अभी स्थितियाँ थोड़ी सी और बदल रही हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी लोग हैं, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक भी हैं, तो प्रयास है कि हम लोग एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक के लिए भी कुछ अपनी कार्य योजना में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करने की आवश्यकता भी राज्य सरकार को प्रतीत हो रही है। इस पर भी हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी गंभीरता है, पूरी चिंता है और पूरी वचनबद्धता के साथ हम इस कोरोना महामारी से हम लड़ने के लिए संकल्पित हैं और हमारी सरकार पूरी तरीके से जांच के दायरे को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्प्रेड हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये जो टेस्ट की जो बात हो रही है अभियान